स्मार्ट वॉच जिसका नाम है दोस्तों ये है SK9 Ultra 2, जिसमें दोस्तों डायनेमिक डायल मिलता है। सच बोल रहा हूँ दोस्तों, जो आईफोन 15 या 14 में मिलता था ना डायनेमिक, सेम टू सेम दोस्तों इसमें मिल जाता है। फीचर की बात करें तो बहुत तगड़े तगड़े फीचर है, उसके भी जानेंगे। देन दोस्तों ये है हमारा एसेट अल्ट्रा स्मार्ट वॉच, इसमें दोस्तों 4G सिम डाल सकते हो, फुल्ली यूट्यूब देख सकते हो और भाई अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात कर सकते हो, दोनों में ही अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर सकते हो। सिंपली ओपन करते हैं इन दोनों का बॉक्स और पूरी सच्चाई के बारे में पता करते हैं, सब चीज को रखते हैं साइड में। तो सबसे पहले हमारा इस स्मार्ट वॉच को ओपन करते हैं जिसका नाम है दोस्तों SK9 Ultra 2। तो यहाँ पे दोस्तों हमें यूजर मैनुअल मिल जाता है जो कि कोई काम का नहीं है। यहाँ पे वायरलेस चार्जर, पर्टिकुलरली आपको ऑरेंज कलर का स्ट्रैप मिल जाता है जो कि इसके साथ है, ठीक है। देन ये हाथ में हमारा है दोस्तों, ये है हमारा स्मार्ट वॉच। तो ये दोस्तों हमारा SK अल्ट्रा स्मार्ट वॉच, तो सिंपली इसे ओपन करते हैं। ओपन करते दोस्तों यहाँ पे हमें मिल जाता है यूजर मैनुअल जो कि इतना बड़ा है, आपको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, पढ़ना आपको कबाड़ी में भेज देना, आपको 2-3 रुपए मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको दो दो स्ट्रैप मिल जाता है, एक तरफ दोस्तों ब्लैक मिल जाता है, देन दूसरा आपको ऑरेंज का मिल जाता है अल्पाइन वाला जो कि हटाते से। देन यहाँ पे दोस्तों चार्जर मिल जाता है, एक मैग्नेटिक चार्जर है, एक वायरलेस चार्जर जो बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई ये दोस्तों हमारे स्मार्ट वॉच है, दोनों में ही कंपेयर करते हैं कि किसका फीचर बेस्ट है किसका बेकार है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें अल्ट्रा मिल जाता है जो कि SK9 Ultra है। ये दोस्तों हमारे SK9 Ultra 2 स्मार्ट वॉच जो कि देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं फीचर का, तो यहाँ पे आपको ग्लास मिल जाता है जो कि हार्ट रेट मेजर करेगा। यहाँ पे दोस्तों पावर बटन एंड स्क्रॉल बटन मिल जाता है, माइक्रोफोन का भी मिल जाता है, देन यहाँ पे एक्शन बटन मिल जाता है, स्पीकर ग्रिल मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों आपको डायनेमिक आइलैंड मिल जाता है, पर्टिकुलरली यहाँ पे दोस्तों आपको प्री डिफॉल्ट वॉच फेस मिल जाता है जो कि जो भी आपको पसंद है वो आप यूज कर लेना, और ज्यादा यूज करना है तो आपको लिए बेयर फिट ऐप को डाउनलोड करना है, देन उसके साथ आपको कनेक्ट करने के बाद आप एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों एक्स्ट्रा मिल जाता है मेन्यू जो कि देखते हैं कितने तरह का है, तो सिंपली 1, 2, 3, 4 तरह का दोस्तों इसमें आपको मिल जाता है मेन्यू, जो कि जो भी आपको पसंद है वो आप यूज कर सकते हो और दिखने में काफी बढ़िया लग रहा है, एक वाइब्रेंट सा फील हो रहा है। और देखा जाए तो दोस्तों इसमें पर्टिकुलरली आपको यहाँ पे गेम भी मिल जाता है जो कि देख सकते हो गेम भी है। दोस्तों यहाँ पे कुछ इसके फीचर मिल जाते हैं जैसे कि ऐप मार्केट मिल जाते हैं, AI वॉच फीचर मिल जाता है, यहाँ पे आपको लोकल म्यूजिक मिल जाता है, ChatGPT का भी सपोर्ट मिल जाता है इसमें दोस्तों, आराम से लिखवा सकते हो किसी भी टॉपिक पे। देन यहाँ पे आपको हार्ट रेट मिल जाता है, हार्ट रेट देखो तो इस तरह का है, ब्लड प्रेशर मिल जाता है आपको, और देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स बटन मिल जाता है, स्लिप मिल जाता है, प्रेशर एक्टिविटी, फोन कॉलिंग का भी मिल जाता है, यहाँ पे जितने भी कॉल का है सारा चीज़ यहाँ पे शो हो जाता है। यहाँ पे और देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे वेदर, अलार्म, ब्रीथ मिल जाता है, एमिटी मिल जाता है, फाइंड डिवाइस कर सकते हो, मैसेज मिल जाता है, सेटिंग मिल जाता है। सेटिंग में दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे कुछ इसके बेसिक सर डिसेटिंग है जो कि यहाँ पे अगर बात करते हैं ब्राइटनेस का, तो 600 निट्स की इसकी ब्राइटनेस मिल जाती है जो कि डे नाइट में आप यूज करने में काफी बढ़िया लगेगा। देन यहाँ पे आपको बैटरी का भी मिल जाता है, यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज भी शो हो रहा है, यहाँ पे ग्राफली चेक हो रहा है। देन दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ शॉर्टकट मिल जाता है जो कि यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, ब्लूटूथ है, यहाँ पे आपको बैटरी यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे आपको वॉच फेस मिल जाते हैं, यहाँ पे स्लिप मिल जाता है, QR कोड मिल जाता है, ब्राइटनेस का भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है जो कि शॉर्टकट में है, आप इसे लॉक लगा सकते हो इस स्मार्ट वॉच को। देन यहाँ पे आपको एडिट के ऑप्शन के भी जाने के बाद जो भी आपको पसंद है शॉर्टकट वो आप इसमें इनेबल कर सकते हो, डिसेबल भी कर सकते हो, ये काफ़ी बढ़िया है, ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एक्शन बटन का भी, तो यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे इतने सारे स्पोर्ट्स बटन मिल जाता है, जो भी आपको बॉडी बनाना है वो इसके थ्रू आप बना सकते हो, और जिम के लिए भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो अभी दोस्तों इसको रखते हैं साइड में, देन हमारा दोस्तों SK8 Ultra पे आते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा SK Ultra जो कि दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, यहाँ पे आपको हार्ट रेट मिल जाता है, यहाँ पे भी सेम टू सेम ही फीचर, यहाँ पे आपको स्क्रॉल बटन, यहाँ पे पावर बटन मिल जाता है, देन यहाँ पे आपको एक्शन बटन नहीं मिलता, इसके अंदर दोस्तों आपको सिम डालना होगा, यहाँ पे आपको चारों तरफ से स्क्रू मिल जाता है जो कि प्रॉपर दिख रहा है, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा तो नहीं है बट एक नॉर्मली देखा जाए तो ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिम स्लॉट मिल जाता है, यहाँ पे देखो सिम मिल गया, और इसमें सिम आप 4G सिम डाल के आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों आपको प्री डिफॉल्ट वॉच फेस मिल जाता है, जो भी आपको करना चाहो तो कर सकते हो, बट इसमें जब दोस्तों ज़्यादा वॉच फेस नहीं मिल जाता है तो आपको सिंपली इसके ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि मैं आपको कमेंट में डाल दूंगा। और यहाँ पे आपको मिल जाता है कुछ इसके फीचर,
लाइक यहाँ पे म्यूजिक मिल जाता है, एक रिकॉर्डिंग कर सकते हो, फाइल एक्सपोर्टर भी मिल जाता है, यहाँ पे आपको हार्ट रेट मिल जाता है। हार्ट रेट की बात कीजिए तो इस तरह का हार्ट रेट है जो कि एक डिसेंट सा दिख रहा है। फिटनेस का भी मिल जाता है। सेटिंग में जाओगे तो सेटिंग में जितने सारे जो फोन के होते हैं वो सब यहाँ पे शो होगा। वाईफाई का भी मिल जाता है, कनेक्टिविटी डिवाइस भी मिल जाता है, देन बैटरी का भी मिल जाता है, और यहाँ पे आपको स्टोरेज भी मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया है। दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको नोटिफिकेशन बार मिल जाता है जो कि यहाँ पे ब्राइटनेस का भी कस्टमाइज कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको वाईफाई मिल जाता है, ब्लूटूथ मिल जाता है, डू नॉट डिस्टर्ब भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको डेट सेट कर सकते हो, डाटा सेविंग मोड भी मिल जाता है, एयरप्लेन मोड मिल जाता है, लोकेशन भी मिल जाता है। और देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे आपको गैलरी मिल जाता है, मैसेज मिल जाता है, ब्राउजर मिल जाता है। पर्टिकुलर दोस्तों इसमें ब्राउजर मिल जाता है जो कि वर्किंग करता है। देन यहाँ पे आपको साउंड रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और प्ले स्टोर भी मिल जाता है, और आपको गूगल असिस्टेंट भी मिल जाता है। गेम भी डाउनलोड कर सकते हो और गेम खेल भी सकते हो। तो यहाँ पे मैं गेम डाउनलोड कर लिया है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे देखो दोस्तों गेम खेल रहे हैं, पर्टिकुलरली खेल सकते हो। और इनफैक्ट दोस्तों आप इसमें YouTube भी चला सकते हो, Google पे सर्च भी कर सकते हो, कुछ भी सर्च कर लेना चाहते हो तो आप सर्च कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको अंधा पैसा है तो आराम से कैलकुलेटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको प्लस माइनस भी कर सकते हो, जोड़ घटा भी कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अपना आईफोन 15 कर रखा है कनेक्टेड, मैंने कोई भी सिम इसमें इंस्टॉल नहीं किया है। देन अगर बात करते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर आपको प्ले स्टोर में मिल जाता है, मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ कि किस तरह ये वर्क करता है। यहाँ पे दोस्तों मैंने अपना जीमेल आईडी लॉगिन कर रखा है, आप भी लॉगिन कर सकते हो। बट ये दोस्तों मैंने लॉगिन करने के बाद मैं लॉग आउट कर दूंगा क्योंकि ये प्राइवेसी सिक्योरिटी के लिए नहीं है। यहाँ पे आप कोई भी ऐप को डाउनलोड करते हो, लाइक मैं गेम डालकर सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको इतने सारे गेम मिल जाते हैं, आप कोई भी करके आप डाउनलोड कर सकते हो। लाइक अगर आपको टेम्पर रन करना है तो यहाँ पे आपको करना है क्लिक, देन यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो बटन दबा के। देन यहाँ पे आपको पर्टिकुलर आपको ब्राउजर मिल जाता है, जो भी आपको सर्च करना है लाइक इनकॉग्निटो खोलना है या कुछ भी करना है यहाँ पे आपको मिल जाता है। सर्च में जाके आप यूट्यूब भी खोल सकते हो, और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो मेरी सारी वीडियो भी दिख जाएगी जो कि लेटेस्ट वाली वीडियो है, और यहाँ पे हमारा ड्रोन वाली भी वीडियो है जो कि आप देख सकते हो जितने भी हैं। यहाँ पे शॉर्ट्स भी इनफैक्ट चला सकते हो, यहाँ पे आपको शॉर्ट्स का भी प्ले बटन मिल जाता है। और देखो साउंड की क्वालिटी देखा जाए तो एक डिसेंट सा है, हल्का सा आवाज आ रहा है, बट एक आप लाउड में अगर हो तो आप बिल्कुल आवाज नहीं आएगा, तो इसका साउंड ही आपको क्या ही सुनाई देगा। तो इस तरह से है, आप शॉर्ट्स को स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हो, अप एंड डाउन भी कर सकते हो। बिल्कुल सर बिल्कुल दोस्तों, इस स्मार्ट वॉच में आपने देखा ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ ये मैं इससे बात कर रहा था और आराम से मैं बात कर सकता था। दोस्तों ये दोनों स्मार्ट वॉच मैंने पहन लिया है और दोनों का टेस्ट करना चाहता हूँ मैं अपने हार्ट रेट का, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा अपना हेल्थ के लिए बेटर है, कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं है। तो दोनों को मैंने पहन लिया है, ये ऊपर वाला दोस्तों हमें SK8 Ultra और SK9 Ultra 2, तो दोनों में ही कंपेयर करते हैं कौन सा हेल्थ के मामले में अच्छा है। यहाँ पे जो हमारा SK9 Ultra वाला है वो दोस्तों 94 दिखा रहा है, 93 दिखा रहा है ppm, और देन यहाँ का भी देखते हैं कि कौन सा दिखा रहा है। यहाँ पे आपको 63 दिखा रहा है जो कि ट्रूली रॉन्ग है, और ये भी दोनों में रॉन्ग है, बट ये पता नहीं इतना ज्यादा कैसे दिखा रहा है, 97 दिखा रहा है और यहाँ पे 63 दिखा रहा है। देखा दोस्तों ये हमारा हार्ट रेट वाला जो कि ट्रूली दोनों में ही रॉन्ग है। दोस्तों SK9 Ultra वाला तो थोड़ा सा ठीक ठाक बता रहा है, बट SK8 Ultra वाला तो बिल्कुल भी यार इतना अच्छा नहीं बता रहा है। यहाँ पे आपको 59 मुझे दिखा रहा है जो कि 59 BPM दिखा रहा है। आप समझ सकते हो कि भाई दोनों में ही क्या ही डिफरेंस है। तो ये दोस्तों हमारे स्मार्ट वॉच जो कि दिखने में सेम टू सेम है, कोई भी आप बता नहीं सकता कि आपने ओरिजिनल पहना है या कॉपी पहना है, बट इसकी क्वालिटी दोस्तों काफी सुपर है। लैग भी इसमें देखने नहीं पड़ता, बट इसमें थोड़ा सा लैग देखने को मिलता है क्योंकि दोस्तों इसमें आपको 1 GB का रैम प्लस में 16 GB का रोम मिल जाता है, जो कि दोस्तों इसमें ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। बट इसमें दोस्तों आपको ज्यादा हाई भी आप ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते क्योंकि ये एक नॉर्मल यूज के लिए बनाया गया, और ये दोस्तों एक स्मार्टफोन के रिप्लेस के लिए बनाया गया है। दोनों दोस्तों बहुत चाइनीज है, तो बिल्कुल भी इसमें अलग अलग दिया गया है, दोनों ही कंपनी अलग अलग बनाती है। इसका दोस्तों आपको बेयरफिट वाला बनाती है, और यहाँ पे आपको हनीकॉम वाला बनाता है जो कि दोनों में ही अलग अलग ऐप इसमें यूज कर सकते हो। यहाँ के पास इसमें अगर बात करते हैं SK9 Ultra का, तो इसके अंदर मिल जाता है 1 GB का रैम प्लस में 16 GB का स्टोरेज मिल जाता है, और इसमें दोस्तों ब्लूटूथ कॉलिंग मिल जाता है। दोस्तों अगर इस वॉच के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर आपको डायनेमिक आयरन मिल जाता है, आपको 1 GB का रैम प्लस में 16 GB का स्टोरेज मिल जाता है। और बात करते हैं दोस्तों इसका बैटरी बैकअप का, तो 3 दिन तक आराम से चल जाएगा अगर सिंगल चार्ज करते हो तो। अगर ज्यादा यूज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है बैटरी ड्रेन होती है, तो 5 से 6 घंटे तक ही चलेगा, सर्वाइव होगा, और नॉन स्टॉप प्लीज मत करना चलाने। और बात करते हैं इसकी बैटरी बैकअप का, तो 700 mAh किसकी भी सेम टू सेम बैटरी मिल जाती है, आराम से चल जाता है, फुल HD क्वालिटी का है, AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है,
बात करते हैं पूरा ओवरऑल फीचर का, तो सारा चीज चलता है इसमें प्रॉपर दोस्तों, एक्शन बटन भी मिल जाता है जो कि वर्किंग है। दोस्तों बात करते हैं इस स्मार्ट वॉच का, ये है दोस्तों SK8 अल्ट्रा, जो कि इसमें पर्टिकुलर आपको सिम डाल सकते हो, 4G सिम डाल सकते हो, और आप इसमें डाल के गर्लफ्रेंड से भी बात कर सकते हो। इसमें आपको इंटरनेट ब्राउजर में मिल जाता है, जो भी आपको सर्च करना चाहो सर्च कर सकते हो। इसमें दोस्तों 1GB का रैम प्लस में आपको 16GB का स्टोरेज मिल जाता है, 700mAh इसकी बैटरी मिल जाती है, जो कि 1 डे का इसका कैपेसिटी है, सिंगल चार्ज में 1 डे चल जाएगा, बट अगर आप नॉन स्टॉप यूज करोगे तो 2-3 घंटे के बाद ये खत्म हो जाएगा। और बात करते हैं इसका अगर डिस्प्ले का, तो 2.02 का इसका जिसका डिस्प्ले है, फुल HD क्वालिटी का तो नहीं बोल सकते बट ठीक है। बात करते हैं इसके ब्राइटनेस का, तो 500nH की इसकी ब्राइटनेस मिल जाती है, जो कि डे नाइट में भी यूज कर सकते हो। बट वही बात करते हैं इस स्मार्ट वॉच का, तो इसमें मिल जाता है 600nH की इसकी ब्राइटनेस, जो कि डे नाइट में काफी तगड़ी लगती है। ओवरऑल देखा जाए तो ये दोस्तों लैग नहीं करता है, बिल्कुल भी लैग नहीं करता है। डायनेमिक आइलैंड मिल जाता है, जो कि एक पर्टिकुलर आईफोन का टक्कर देता है, बट इसमें दोस्तों डायनेमिक आइलैंड नहीं मिलता है, इसमें दोस्तों थोड़ा सा लैग देखने को मिलता है। इसमें दोस्तों आप इसमें पर्टिकुलर आप ऐप्स को भी इंस्टॉल कर सकते हो और गेम भी खेल सकते हो, BGMI भी खेल सकते हो, बट चलता नहीं है, डाउनलोड कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा इसमें टेम्पर रन और भी चीजें गेम नॉर्मली आप खेल सकते हो। बट इसमें दोस्तों आप इसमें कुछ लिमिट मिल जाता है, जो कि बेयर इसमें इसके लिए दोस्तों आपको बेयर फिट डाउनलोड करना पड़ेगा ऐप, देन उसके बाद जो भी इसमें ऐप होगा वो इसमें डाउनलोड कर सकते हो इसी में। प्लस में इसका ब्लूटूथ कॉलिंग काफी तगड़ी है, काफी अच्छी क्वालिटी का लगता है, साउंड क्वालिटी की अगर सुनाई देगा ना तो काफी अच्छी लगती है। और वही दोस्तों इसकी बात करें तो थोड़ा इसके साउंड की फटती है, थोड़ा सा आवाज फट रही है, ठीक है। तो देखा जाए तो ठीक है, दोनों में ही अलग अलग है, 700mAh की बैटरी बैकअप है, जो कि दोनों में ही सेम टू सेम है, बट इसकी बैटरी और भाई इसकी बैटरी दोनों में ही फर्क है, क्योंकि ये 3 दिन चल जाता है और ये दोस्तों 1 दिन में ही खत्म। तो बात करते हैं दोनों में की क्वालिटी का, तो दोनों में ही ठीक है। ये दोस्तों SK9 Ultra 2, ये दोस्तों SK9 Ultra। बात करते हैं इसका प्राइस, तो ये है दोस्तों 3500 रुपए का, यानी दोनों में ही 1000 रुपीज का डिफरेंस है, जो कि ठीक है, अपने अपने काम करते हैं। इसमें दोस्तों SK8 Ultra में आपको मिल जाता है 2 स्ट्रैप, ब्लैक एंड आपको ऑरेंज का मिल जाता है, बट इसमें दोस्तों आपको सिंगल मिल जाता है, जो कि ठीक है यार, स्ट्रैप को आपको बाहर से भी परचेज कर सकते हो, 30-40 रुपए के ही आता है, बट क्वालिटी देखा जाए तो ये काफी बढ़िया है। इसमें दोस्तों पर्टिकुलरली आपको एक्शन बटन मिल जाता है, बट इसमें दोस्तों बिल्कुल नहीं मिलता। और इसे परचेस करना है तो मैं बायो में दे दूंगा लिंक, आप परचेस करना चाहो तो कर सकते हो, बट मैं बिल्कुल भी आपको स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो मैं आपको बिल्कुल रिलायबल नहीं बोल सकता हूँ कि आपको परचेस करना चाहो तो कर लेना। तो आपको ये स्मार्ट वॉच वाली कंपैरिजन वाली कैसी लगी वीडियो, लाइक कमेंट जरूर करना, और वीडियो आपको कैसी लगी लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारा एक ऐसे ही डायलॉग है, चिल करो।